आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश और प्रदेश सहित रीवा में बैंकों के निजीकरण एवं विलीनीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने दो दिन की हड़ताल कर दी है, जिसका काफी असर आज बैंक के कामकाज में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। फोरम के महासचिव ने घोषणा की है कि सरकारी बैंकों की सभी शाखाएं बंद रहेंगी और हड़ताल के दौरान बैंक संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। बता दें कि हड़ताल में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों ही शामिल हैं। बैंक कर्मियों ने बुधवार शाम को भारतीय स्टेट बैंक कमर्शियल शाखा के सामने प्रदर्शन कर बुधवार को यह संकेत दे दिए थे। बैंक अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में देने जा रही है। बैंक के निजीकरण एवं विलीनीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। आज सिरमौर चौराहे के समीप स्थित यूनियन बैंक के सामने काफी संख्या में बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने मिलकर सरकार के बैंक विरोधी नीतियों का विरोध करते नजर आए हैं। ये शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि वो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाएंगे, जिसके अंतर्गत बैंकों का निजीकरण होगा, उसी के विरोध में हमारी ये हड़ताल है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, पिछले एक महीने से प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी अलग अलग रैलियां कलकत्ता से स्टार्ट होकर दिल्ली तक गई थी। हमारी ऑफिसर एसोसिएशन की आईबॉक्स संस्था है AIBOC और UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के 9 घटक दल सभी इसमें सम्मिलित हैं, सभी की इसमें सहमति है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये हड़ताल जारी है। आज ये हड़ताल का पहला दिन है, अभी ये दो दिवसीय हड़ताल हमारी 16-17 तारीख की है और इसके बाद जैसा हमें ऊपर से आदेश होगा उस हिसाब से हम आगे अपने हड़ताल को या कार्रवाई को जारी करेंगे। पूरी तरह स्ट्राइक है या सांकेतिक है? नहीं, स्ट्राइक ये सभी राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों की सम्मिलित स्ट्राइक है, पूरी तरीके से स्ट्राइक है। ऋषभ श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव, आईबॉक।